डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग अभी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर को पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग पिछले दिन बहुलीकरण और संघनन को पढ़ा था। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं उसके आगे, जिसका नाम है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, ठीक है, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड किस कैटेगरीज में आता है? तो ये आता है एल्डिहाइड की कैटेगरी में। किस कैटेगरीज में? एल्डिहाइड के कैटेगरीज में, जिसका नाम क्या है? बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये जो बेंजल डिहाइड आता है वो एल्डिहाइड की कैटेगरीज में आता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ अगर बेंजल डिहाइड का बात करें तो बेंजल डिहाइड तो ये पता चल गया कि एल्डिहाइड की कैटेगरीज में आता है। अब हम लोग यहाँ से देख पाएंगे कि बेंजल डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, इसका गुण क्या है, इसका विक्रिया क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्पेशल बेंजल डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बेंजल डिहाइड के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो बेंजल डिहाइड का निर्माण, ठीक है, तो निर्माण के बारे में देखेंगे कि आखिर बेंजल डिहाइड का निर्माण कैसे होता है। लिखा जाए निर्माण में, जब बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5COCl। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5COCl। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला C6H5COCl। ठीक है, जब बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? तो बेंजल डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO। ये हम लोगों का फार्मूला होता है बेंजल डिहाइड का। क्या लिखा है? बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है, इसका फार्मूला होता है C6H5CHO। जरा बेंजल डिहाइड का निर्माण में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड, याद रहे बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला क्या? C6H5COCl, क्लोरीन, ये कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्लोरीन को अगर हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में लिखा जाता है, हाइड्रोजन के साथ अगर करा रहे हैं तो हम लोगों को बेंजोइल क्लोराइड बन रहा है। और बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला C6H5CHO, ये हम लोगों को बेंजोइल क्लोराइड है। सवाल बोला कि आखिर बेंजल डिहाइड जो हम लोग टॉपिक बोल रहे हैं उसका निर्माण कैसे होता है, तो बेंजल डिहाइड का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो C6H5COCl, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, और इसके साथ हाइड्रोजन का करेंगे तो अब हम लोगों को यहाँ पे बेंजल डिहाइड बनेगा, बेंजल डिहाइड। ठीक है, और बेंजल डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO, और बाद बाकी बाहर क्या होगा? तो HCl। ठीक है, HCl बाहर होगा। दूसरा बात दोस्तों, इसी अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के नीचे एरो देकर लिखेंगे, जो लिखने के बाद ये अभिक्रिया लिख कर फिर लिखिएगा एरो देकर, इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया
कहा जाता है? इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि हम लोग यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का निर्माण देखें कि बेंजल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, आपको याद आना चाहिए कि जब बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला याद रखिएगा, बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला याद रखिएगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया, यानी रोजेनमुंड अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो बेंजल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो इसी अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड मेरा फर्स्ट टॉपिक है, इसके निर्माण को देखें। अब लिखा जाए दूसरा, इसके गुण के बारे में लिखेंगे। बेंजल्डिहाइड के निम्नलिखित गुण हैं, अभी हम सब चीज़ बेंजल्डिहाइड के बारे में ही कर रहे हैं, इसका निर्माण, इसका गुण, है ना। चलिए गुण के बारे में लिखेंगे। बेंजल्डिहाइड के निम्नलिखित गुण हैं, पहला यह एक रंगहीन द्रव है, यह एक रंगहीन द्रव है। दूसरा इसमें बादाम जैसा गंध पाया जाता है, इसमें बादाम, इसमें बादाम जैसा गंध, जैसे बादाम खाते हैं ना, हाँ, तो बादाम जैसा गंध पाया जाता है। थर्ड में लिखा जाए इसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबालना जिसको कहते हैं ना, इसका क्वथनांक 452 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक 452 केल्विन होता है। चौथा में लिखा जाए यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में अल्प विलेय है। पांचवा, यह एक विषैला यौगिक है, यह एक विषैला यौगिक है। चलिए तो याद रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड के क्या क्या गुण हैं। तो बेंजल्डिहाइड का पहला गुण होता है कि रंगहीन द्रव होता है। हम जानते ही हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, जिसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, तो रंगहीन होता है। इसमें बादाम जैसा गंध पाया जाता है, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है इस यौगिक का गंध के बारे में बोले तो बादाम, जैसे बादाम खाते हैं ना, हाँ, तो वही बादाम जैसा गंध इस बेंजल्डिहाइड में हम लोगों को पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके गुण के बारे में, किसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब उबालना, उबलता कितना केल्विन पे है, 452 केल्विन ताप पे ये उबलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वथनांक के बारे में हम लोग को याद रखना होगा कि इसका क्वथनांक कितना होता है, 452 केल्विन, ठीक है। चलिए क्वथनांक के बारे में हम लोगों को हो गया। फिर नेक्स्ट जो है, यह जल में अल्प विलेय है। जल में जो है अल्प का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा, यानी कि ये जो बेंजल्डिहाइड है ये जल में बहुत कम घुल पाता है, अल्प विलेय है, मतलब कि पूरी तरीके से चीनी और पानी जैसे घुलता है उस तरीके से नहीं घुलता है। बेंजल्डिहाइड का कुछ अणु जैसे कि घुल जाता है और कुछ अणु नहीं घुल पाता है, तो ये इसीलिए लिखा गया है कि यह जल में जो है अल्प विलेय है, यानी कि यह बने कौन, बेंजल्डिहाइड ना, बेंजल्डिहाइड जल में जो है अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब थोड़ा सा विलेय है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लिखे हैं,
यह एक विषैला यौगिक भी है। विषैला का मतलब जहरीला है हम लोगों के लिए, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला है, वैसे तरीके से बेंजल डिहाइड भी क्या है, जहरीला है, विषैला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का गुण था। अब लिखा जाए तीसरा नंबर अभिक्रिया के बारे में। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया वाले टॉपिक्स में दोस्तों, इस अभिक्रिया में हम लोग बेंजल्डिहाइड मेरा फिक्स रहेगा। अब इसके साथ हम लोग अभिक्रिया देखेंगे। अब इस बेंजल्डिहाइड तो मेरा फिक्स है, ठीक है, अब ये बेंजल्डिहाइड मेरा फिक्स है। अब इस बेंजल्डिहाइड का हम लोग अभिक्रिया देखेंगे अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग तत्व के साथ, है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेंजल्डिहाइड हम लोगों का फिक्स है। इसका अभिक्रिया का बात करें तो हम लोग अलग अलग के साथ अलग अलग रिएक्शन को देखेंगे। तो पहला है एसिटल डिहाइड के साथ, यानी कि ये अभिक्रिया हो गया। अब इसका ए नंबर लिखा जाए उसके नीचे से, ठीक है। अभिक्रिया अलग अलग देखेंगे ना, अलग अलग तत्व के साथ, अलग अलग यौगिक के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला जो है ए एसिटल डिहाइड के साथ, एसिटल डिहाइड के साथ, ठीक है, एसिटल डिहाइड के साथ, ठीक है, एसिटल डिहाइड के साथ। अब ये एसिटल डिहाइड क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो एसिटल डिहाइड का फार्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, CH3CHO, ठीक है, ये होता है एसिटल डिहाइड, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके नीचे लिखा जाए, जब बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जब बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सिनेमल डिहाइड। देखिए नाम तो अलग अलग आएगा ही ना, क्योंकि सब नाम नए नए हैं, उनका फार्मूला भी नए नए हैं। जैसे जल है तो जल का फार्मूला H2O, ये आप 8C पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपके लिए सिंपल हो जाता है। तो दोस्तों एक ही तरीका होता है इसका कि आप चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार याद कीजिए, तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगे। देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को बेंजल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड सबका नाम उससे एक ही तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एसिटल डिहाइड के साथ देख रहे हैं कि जब बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो सिनेमल डिहाइड बनता है। हालांकि सिनेमल डिहाइड का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, CHCHO, ये हम लोगों को क्या है, सिनेमल डिहाइड का फार्मूला है, CHCHO, ठीक है। तो ये हम लोगों का सिनेमल डिहाइड है। तो चलिए अब हम लोग उसके नीचे एरो देखते हैं। एरो तो दे ही दिए ना कि जब बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सिनेमल डिहाइड का निर्माण होता है। अब इसके रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO, ये क्या है, ये है बेंजल डिहाइड। और बेंजल डिहाइड के साथ हम लोग एसिटल डिहाइड का साथ का रिएक्शन देखेंगे। तो एसिटल डिहाइड का रिएक्शन CH3CHO, ठीक है, ये रहा हम लोगों को एसिटल डिहाइड, ये रहा हम लोगों को बेंजल डिहाइड। इसके साथ अगर रिएक्शन को देखेंगे तो सिनेमल डिहाइड हम लोगों को बनेगा। सिनेमल डिहाइड का फार्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो मेन यही है हम लोगों को जिसका निर्माण होता है सिनेमल डिहाइड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये है हम लोगों को बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड के साथ अगर एसिटल डिहाइड का रिएक्शन देखेंगे, जब बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा, सिनेमल डिहाइड, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे बी में एनिलीन के साथ, एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला होता है सी सिक्स
H5NH2। दोस्तों इसको हम लोग एक और स्ट्रक्चर देखते हैं एनिलीन का, कि बेंजीन रिंग से NH2, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग से NH2 लगा देंगे तो वो भी एनिलीन होता है, ये भी एनिलीन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन 6 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5, और NH2 जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनिलीन का दो तरह से फार्मूला लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, C6H5NH2, या फिर बेंजीन बना लीजिए और बेंजीन से एक NH2 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तब हम लोगों को ये एनिलीन होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे उसके नीचे, क्योंकि इस बार भी बेंजाल्डिहाइड फिक्स रहेगा, इसके साथ एनिलीन का भी किरा देखेंगे। तो लिखा जाए, जब बेंजाल्डिहाइड को एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जब बेंजाल्डिहाइड को एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वेजिलिडीन एनिलीन का निर्माण होता है। अब ये वेजिलिडीन एनिलीन क्या है, तो ये जो वेजिलिडीन एनिलीन है, इसका रिएक्शन, इसका जो फार्मूला होता है, C6H5CH NC6H5, ठीक है। तो ध्यान रहे, वेजिलिडीन एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड NCH6H5, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का होता है वेजिलिडीन एनिलीन का फार्मूला। तो अब हम लोग देख पाते होंगे कि एनिलीन के साथ अगर बेंजाल्डिहाइड का विक्रिया कराएंगे तो कैसे बनेगा। तो बेंजाल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, इसका एनिलीन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5NH2, ठीक है। ये हम लोगों को एनिलीन है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को वेजिलिडीन एनिलीन बनेगा। वेजिलिडीन एनिलीन का मतलब C6H5CH NC6H5, और हम लोगों को वाटर का फॉर्मेशन बाहर होगा, यही है हम लोगों को वेजिलिडीन एनिलीन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हम लोगों को बेंजाल्डिहाइड के साथ अगर एनिलीन का अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजाल्डिहाइड और एनिलीन आपस में अभिक्रिया करके वेजिलिडीन एनिलीन का निर्माण करते हैं, और इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन बाहर होता है। अगर हम ये नहीं भी दिखाएं तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा तब तो कि आखिर बेंजाल्डिहाइड को एनिलीन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, और उसका फार्मूला के साथ आपको रिएक्शन दिखाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर थर्ड अभिक्रिया हैलोजन के साथ, ये हम लोगों को सी पॉइंट है, हैलोजन के साथ। हैलोजन का मतलब जानते हैं ना, हैलोजन का मतलब X2, ठीक है। चलिए लिखा जाए, जब बेंजाल्डिहाइड को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजाल्डिहाइड को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेटा हैलो बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। मेटा हैलो बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए देख पाते होंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखें,
कि जब बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड का फार्मूला देखिए, C6H5CHO होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग से CHO को भी जोड़ सकते हैं, तो इसको भी और ये दोनों सेम ही हुआ बेंजल डिहाइड, तो ये बेंजल डिहाइड है। इसके साथ अगर X2, X का मतलब हैलोजन होता है, ये एक्चुअली हम लोग रूल सीख रहे हैं अभी, तो ये क्या है बेंजल डिहाइड, इसको आप C6H5CHO ऐसे लिखिए, या फिर बेंजीन रिंग बनाकर CHO जोड़ दीजिए, दोनों जो है सेम ही होता है। और इसके साथ X2 का अगर रिएक्शन देखेंगे तो हम लोगों को बनेगा क्या, मेटा हैलो बेंजल डिहाइड, यानी कि बेंजल डिहाइड का मेटा पे, तो मेटा कौन होता है, तो ये ऑर्थो मेटा यहाँ हुआ ना, ये पैरा होता है, तो यहाँ पे एक्स जुड़ेगा और ये तो बेंजल डिहाइड ही रहेगा, यानी कि जैसा मेरा बेंजल डिहाइड था वही रहेगा, लेकिन मेटा पे क्या जुड़ जाएगा, हेलो, तो ये नाम हो जाएगा मेटा हेलो बेंजल डिहाइड, ठीक है। और इसके साथ बाहर क्या होगा, HX बाहर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर हो जाएगा। जरा इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लिया ये बेंजल डिहाइड है, दैट इज अ बेंजल डिहाइड, ठीक है, और इस बेंजल डिहाइड को हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल हम लोगों को जो बनेगा ये है हम लोगों को CHO और यहाँ पे Cl और HCl, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग इसका और भी देख सकते हैं, जैसे मान लिया कि और भी तो हैलोजन है, तो और भी हैलोजन देखा जाए ऐसे, जैसे CHO है, यहाँ पे Br2 है, तो ये हैलोजन है। अगर इस हैलोजन को हम लोग देख पाएंगे तो क्या बनता है, CHO और यहाँ है Br+HBr, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों को मेटा हेलो बेंजल डिहाइड, तो ये हो जाएगा मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये तीन चार इम्पोर्टेंट अभिक्रिया थे बेंजल डिहाइड का। अब लिखेंगे चौथा पॉइंट उपयोग के बारे में, ठीक है, किसका उपयोग भाई, तो बेंजल डिहाइड का, तो उपयोग के नीचे एरो दिया जाएगा, उपयोग के नीचे एरो देकर लिखेंगे बेंजल डिहाइड के उपयोग निम्नलिखित है, बेंजल डिहाइड के उपयोग निम्नलिखित है, पहला सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, पहला लिखेंगे सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, दूसरा मैलेकाइट के उत्पादन में, देखिए मैलेकाइट एक अयस्क होता है, इसके बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और कार्बनिक रसायन में, तो मैलेकाइट के उत्पादन में, और थर्ड लिखा जाएगा बेंजोइल क्लोराइड के संश्लेषण में, बेंजोइल क्लोराइड के संश्लेषण में। जी हाँ, हम लोग देख पा रहे थे कि जब बेंजल डिहाइड का निर्माण हो रहा था, तो बेंजल डिहाइड का निर्माण किससे हो रहा था, तो बेंजोइल क्लोराइड से ही ना हो रहा था, यानी कि जब बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग देख पा रहे थे कि जब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, तो हाइड्रोजन के साथ, तभी तो बेंजल डिहाइड बन रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे उपयोग में लिख रहे हैं कि ये बेंजल क्लोराइड को, बेंजोइल क्लोराइड को संश्लेषण करता है, और मैलेकाइट के उत्पादन में बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है, और सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बेंजल डिहाइड के बारे में पढ़ रहे थे, और इस टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स था ये हम लोगों को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो अगले क्लास में हम कार्बनिक रसायन में चौथा चैप्टर, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, को स्टार्ट करेंगे, और फिर से हम लोग उसका IUPAC नाम, उसका अभिक्रिया, उसके यौगिक, उसका गुण, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हम लोगों को
कार्बनिक रसायन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम था एल्डिहाइड और कीटोन। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।